हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग नहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत फनी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें मैं आपको तीन फनी गेम्स दिखाऊंगी जो आप किसी भी पार्टी में खेल सकते हैं। जनरली हम लोग लेडीज़ किटी पार्टी में खेलते हैं। बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत फनी है। जैसा कि इसका नाम है आ बैल मुझे मार। तो ये जो गेम है इसमें आपको एक्टिंग भी करनी है, मुँह से बोलना भी है कि आ बैल मुझे मार, लेकिन आ और बैल की जगह बेल बजाना है यहाँ पे। तो यही इसमें फ़नी पार्ट इसका यही है कि लोग या तो बेल को बजाते ही रहते हैं या फिर बजाते ही नहीं या फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो आपको बोलना है आ मुझे मार और बैल की जगह बेल बजाना है। तो आप देख सकते हैं कितना फ़नी ये होने वाला है। आरती नहीं करना है ये कंटिन्यूसली घंटी बजाई जा रही है तो हुआ कि आरती नहीं करनी है। तो यही इसका फनी पार्ट यही है कि आ बैल मुझे मार। टाइम आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, 1 मिनट का भी या 30 सेकेंड्स का भी, और बिना गड़बड़ी किए जो ज़्यादा टाइम बोल देगा वो विनर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक दो बार से ज़्यादा लोग बोल नहीं पाते हैं 1 मिनट में। तो यही इसका फ़नी पार्ट है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि चाहे जितने लोग हों तो उतना मज़ा आता है। 1, 2, 3, 4 इसमें पर्सन लिमिट नहीं है कि आप इतने ही लोग खेल सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। बहुत बहुत ही फनी गेम है, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग अक्सर अपनी किटी में एक तो ये तो रहता ही रहता है। तो चलिए आप लोग भी गेम का मजा ली। हम लोगों ने 1 मिनट का टाइम रखा था यहाँ पे, और हम लोग 10-12 लोग थे हम लोग 1 मिनट का टाइम रखा था। आप टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 1 मिनट सफिशियंट। और सबसे अच्छी बात ये है इस गेम की कि इसमें एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं लगना है, एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं चाहिए इसमें। बस पूजा वाली जो घंटी होती है ना, बस वही चाहिए हमें। अब वो सबके घर में मंदिर होता ही और मंदिर में एक घंटी होती ही है, तो बस वही चाहिए। ना एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। बस जहाँ बैठे हैं वहीं पे खेलना भी है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इंडोर हो आउटडोर हो आप कहीं भी खेल सकते हैं इसको। इवन पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो वहाँ भी खेल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा गेम। तो दूसरा जो गेम है वो बैंगल के साथ होने वाला है। इसमें हमें चाहिए 2 कलर के बैंगल चाहिए हमें, और 2 बास्केट चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो ज़्यादा कलर्स के बैंगल ले सकते हैं, ज़्यादा बास्केट ले सकते हैं। हम लोगों को यहाँ 2 लोग एक साथ खेलने वाले थे इसलिए हमने 2 ही लिया है। आप चाहें तो 4, 3, 4, 5 जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, एक साथ कई सारे लोग खेल सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपकी आँखों में पट्टी बंधी होगी और आपको बास्केट में से बेलन की हेल्प से बैंगल्स को निकालना है। तो यही इसका भी फनी पार्ट जो है, आपको दूसरे हाथ की हेल्प नहीं लेनी है। अगर आपने दूसरे हाथ से टच किया तो आप आउट माने जाएंगे। और इसमें भी आप टाइम पीरियड अपने हिसाब से 1 मिनट या 30 सेकेंड्स का रख सकते हैं, और उसी टाइम पीरियड में जिसने भी ज़्यादा बैंगल निकाले हैं वो विनर होगा। तो इसमें बेलन चूँकि गोल होता है बहुत आसानी से नहीं निकल पाते हैं बैंगल्स, तो ये इसका फ़नी पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आता है और बहुत अच्छा गेम है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपकी किटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी या किसी भी पार्टी में जहाँ 10 लोग इकट्ठा हैं, वहाँ ये सारे गेम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये गेम भी पसंद आया होगा। तो चलिए गेम इन्जॉय कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे गेम में। तो ये जो तीसरा गेम है इसके लिए हमें कई सारी साड़ियाँ चाहिए, 5-6 जितना भी ज़रूरत हो आप साड़ियाँ ले सकते हैं। आप चाहें तो दुपट्टे भी ले सकते हैं, लेकिन साड़ियाँ चूँकि ज़्यादा लंबी होती हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 5-6 साड़ियाँ ले लेंगे, 1 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे, और 1 मिनट के टाइम पीरियड में जिसने भी ज़्यादा साड़ियाँ फोल्ड की हैं वो विनर होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि या 2 से ज़्यादा कोई फोल्ड कर नहीं पाता है, क्योंकि साड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं और आजकल तो सिंथेटिक साड़ियाँ वो स्लिप करने वाली होती हैं तो जल्दी फोल्ड भी नहीं हो पाती। और यही इसका फ़नी पार्ट है, जो फोल्ड करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा फ़नी बनाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है खेला भी हो, लेकिन हम लोग अक्सर ये सारे गेम हम लोग खेलते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।